Hello children, in this video we will do MCQs on exception handling in Python. Which block lets you test a block of code for errors? आप कौन से ब्लॉक में अपने कोड को एनक्लोज करके मतलब रखकर कौन से ब्लॉक में आप अपने कोड को रखकर ये टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें एरर आ रही है या नहीं आ रही है, राइट? तो आप कौन से जो भी कोड आपको लगता है कि एरर प्रोड्यूस कर सकता है उस कोड को आप कौन से ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करते हो, मतलब कौन से ब्लॉक के अंदर आप उसको लिखते हो, आप लिखते हो ट्राई ब्लॉक के अंदर. ओके, जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं. ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर दिया है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एक्स, और ट्राई ब्लॉक को फॉलो कर रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट? और एक्सेप्ट में आपने दिया है प्रिंट एन एक्सेप्शन अकर्ड. अब एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ट्राई ब्लॉक में क्या होगी, एरर होगी, एक्सेप्शन रेज होगा, राइट? अब यहाँ पे देखो प्रिंट एक्स दिया हुआ है, एक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है कि एक्स क्या है, राइट? तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये एरर क्रिएट करेगा, ये एक्सेप्शन रेज करेगा. तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा तो जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है उसके पास कंट्रोल जाएगा, और जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट एन एक्सेप्शन अकर्ड, ये क्या होगी, ये एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी. ओके, ओके, विच एक्सेप्शन रेज्ड व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड मैक्सिमम लिमिट फॉर अ न्यूमरिक टाइप. तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा अगर आपने क्या दिया है, एक न्यूमरिक वैल्यू दी है लेकिन आपने उसकी मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर दिया है, राइट? आपने मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा उस वैल्यू को एंटर करा दिया है, तो यहाँ पे कौन सी एरर, कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? तो यहाँ पर होगा आपका ओवरफ्लो एरर, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, आपने लिमिट से ज्यादा वैल्यू को इनपुट कराया है, राइट? तो ओवरफ्लो क्या होता है, इट रेज व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट फॉर अ न्यूमरिक टाइप. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव. तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स, राइट? ट्राई ब्लॉक को मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स फॉलो कर सकते हैं, आप ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जीरो इज नॉट करेक्ट, वन इज नॉट करेक्ट, ओके, मोर देन वन, मोर देन वन भी क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि वन भी आप ले सकते हो, ओनली वन भी आप यूज कर सकते हो. तो जो परफेक्ट आंसर है वो है डी, मोर देन जीरो, मीन्स आप ट्राई के साथ एक्सेप्ट यूज करोगे ही करोगे, राइट? कि मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. ओके, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड. अब यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है और आपको आउटपुट बताना है. एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू क्या है 8, राइट? एसर्ट कीवर्ड के बाद आपको कंडीशन दी गई है एक्स इज ग्रेटर देन वाई. तो एसर्ट ये क्या है, कंडीशन ट्रू है. एसर्शन एरर कब आती है, जब आपकी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एसर्शन एरर क्रिएट नहीं होगी, रेज नहीं होगी, तो ये एरर मैसेज भी आपका डिस्प्ले नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, नो आउटपुट, क्योंकि इसके नीचे तो हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एरर भी, अगर यहाँ पे ये फॉल्स होती कंडीशन तो आपका आउटपुट आता है एक्स टू स्मॉल, राइट? पर यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू है, एसर्शन एरर रेज नहीं हुई है, तो आपका आउटपुट क्या है, सी, दैट इज आपका आंसर है सी, दैट इज नो आउटपुट. When will the else part of try except else be executed? जब आप try except else को use करते हो तो else part कब execute होता है, राइट? तो एल्स पार्ट आपका कब एग्जीक्यूट होता है, जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं अकर करता, राइट? कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होता है, तब ट्राई के बाद आपका डायरेक्टली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स, राइट? जब एक्सेप्शन रेज नहीं होता तो ट्राई के बाद डायरेक्टली कौन सा आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एल्स ब्लॉक. ओके, नाउ सिंटेक्स एरर्स आर ऑल्सो नोन एज, सिंटेक्स एरर को आप, जो सिंटेक्स एरर होती है उनका दूसरा नाम क्या होता है, उनका आप
उनको कहते हैं पार्सिंग एरर्स, राइट। सिंटेक्स एरर को हम पार्सिंग एरर्स भी कहते हैं, ओके। क्योंकि सिंटेक्स एरर कैसे पता चलती है, जब आपका कोड क्या होता है, पार्स होता है। पार्स मींस उसको चेक किया जाता है, ओके। जब उसको पार्स किया जाता है, राइट, उसको चेक किया जाता है, तब सिंटेक्स एरर अकर्स होती है। दैट्स व्हाई सिंटेक्स एरर आर आल्सो नोन एज पार्सिंग एरर, ओके। Now, in Python, we use try and catch for exception handling. Python के अंदर आप try and except block use करते हो, try and catch block आप use करते हो Java में exception handling के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम Python की बात करें, Java की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका answer होगा no. Because Python में आप try and except block use करते हो, try and catch आप use करते हो Java के अंदर, okay? Can one block of except statement handle multiple exception? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि except block के अंदर क्या आप multiple exception को specify कर सकते हो, और एक except block क्या multiple exception को handle कर सकता है, okay? तो इसका answer क्या है, yes, कर सकता है। और आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, यस लाइक एक्सेप्ट टाइप एरर कोमा सिंटेक्स एरर कोमा जीरो डिवीजन एरर कोमा, आप इस टाइप से इस फॉर्म में आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो एक एक्सेप्ट ब्लॉक क्या कर सकता है, मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, ओके। यहाँ पे आपको इसको लिस्ट में एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोमा, राइट। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, डेफ गेट मंथ, गेट मंथ नेम से फंक्शन क्रिएट किया है, और उसमें आप पास कर रहे हो एम, राइट। अब इफ एम इज स्मॉलर देन वन, अगर एम क्या है, वन से स्मॉल है, और या फिर एम इज ग्रेटर देन 12, अगर जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो वो क्या है, वन से स्मॉल है या फिर 12 से ग्रेटर है, तो आपका वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाए और मैसेज आ जाएगा आपके पास इनवैलिड। अब आपने क्या किया, और उसके बाद आप प्रिंट करा दोगे जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो, राइट, एम की वैल्यू, ओके। अब आपने क्या किया, गेट मंथ इस फंक्शन को आपने कॉल किया और वैल्यू पास कराई 6, आपने कौन सी वैल्यू पास कराई 6, इसके अंदर 6 पास कराई। तो यहाँ पे देखो 6 क्या होता है, 1 और 12 के बीच के अंदर इन बिटवीन आता है, राइट। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, ओके, और सिंपली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एम की वैल्यू, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6, ओके। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। आपने लिस्ट ली है 1, 2, 3, उसके एलिमेंट्स हैं, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, फाइन। यहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू ली है 3, ओके, बट हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, 1 एंड 2, राइट, ये है आपकी इंडेक्स वैल्यू, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगी, और कौन सी एरर आएगी, इंडेक्स एरर, बिकॉज यहाँ पे आप गलत इंडेक्स दे रहे हैं, ओके। इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 2, राइट, तो आपकी कौन सी एरर क्रिएट होगी यहाँ पे, इंडेक्स एरर, बिकॉज यू आर गिविंग रॉन्ग इंडेक्स हियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड टी, ओके, आपने टी एक आइडेंटिफायर लिया है, टी यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, लिस्ट है या आप कुछ भी ले रहे हो, ओके, एंड 5, ओके। अब यहाँ पे देखो कौन सी एरर आएगी, कौन सी एरर आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी नेम एरर, बिकॉज आपने डिफाइन नहीं किया है कि टी क्या है, राइट, वी डोंट नो द टी नेम, ओके। तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, नेम टाइप एरर नहीं है, डेटा टाइप का हमें नहीं, यहाँ पे टी का मतलब डेटा टाइप का कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू का भी नहीं है, इंडेक्स का भी नहीं है, नेम का है, क्योंकि हमें टी नेम नहीं पता क्या है, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड इन पाइथन, तो कौन सा वर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, ट्राई होता है, ट्राई के बाद आपका एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, फिर आपका फाइनली होता है, एल्स होता है, फिर फाइनली होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड नहीं है, तो आपका ऑप्शन है सी, राइट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड इफ द टाइम मॉड्यूल हैज ऑलरेडी बीन इंपोर्टेड, तो हमारे पास पाइथन कोड है 4 प्लस
थ्री। अब यहाँ पे थ्री क्या है, एनक्लोज है विद इन सिंगल कोट्स, तो ये थ्री क्या बन गया, स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। ओके, फोर क्या है, नंबर इंटीजर, और थ्री क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। क्या इन दोनों का एडिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अनसपोर्टेड डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी एरर आएगी, यहाँ पे आपकी आएगी टाइप एरर, बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट डेटा टाइप, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स विल बी एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट, कौन सा ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करता है चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो, राइट। तो यहां पे आपका आंसर है फाइनली ब्लॉक, फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा चाहे एक्सेप्शन रेज हो, एग्जीक्यूट हो चाहे ना हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो चाहे ना हो, आपका फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट करता है। और आप फाइनली में क्या करते हो, इंपॉर्टेंट कोड जैसे फाइल क्लोजिंग कोड या जो भी इंपॉर्टेंट कोड है उसको रखते हो जिससे कि वो हमेशा एग्जीक्यूट हो। ओके, नाउ इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। ये एरर कब आती है, जब आपका रिक्वेस्टेड मॉड्यूल ओके क्या है, आपको नहीं मिलता है। फाइन, आपने आप कोई मॉड्यूल क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन वो क्या है, नहीं है, वो या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो इस केस में कौन सी एरर आती है, आपकी इंपोर्ट एरर, कि आप रॉन्ग मॉड्यूल को क्या कर रहे हो, इंपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हो। फाइन, इट इज रेस्ड वेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। ये एरर कब आती है, जब यूजर क्या करता है, एक्सीडेंटली डिलीट की को प्रेस कर देता है या एस्केप की को प्रेस कर देता है जब एग्जाम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ड्यू टू विद द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इंटरप्टेड, जिससे क्या होता है, जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, राइट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आपने एक्सीडेंटली डिलीट या एस्केप की को प्रेस कर दिया, तो क्या होता है, उसका नॉर्मल प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्या होता है, हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो इस टाइप की एरर को आप क्या कहते हैं, इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट या फिर कीबोर्ड एरर। ओके, नाउ इट इज रीच्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय द इनपुट फंक्शन। ये एरर कब आती है, जब आप फाइल के एंड पर पहुंच जाते हो लेकिन इनपुट फंक्शन ने उस फाइल से कोई भी डेटा रीड नहीं किया होता है। फाइन, तो इस एरर को हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल एरर, जहां पे इनपुट फंक्शन एंड तक पहुंच जाता है विदाउट रीडिंग एनी डेटा, राइट। वी द कंट्रोल रीच टू द एंड ऑफ द फाइल बट इनपुट फंक्शन डजंट रीड एनीथिंग। नाउ इट इज रीच्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। ये एरर कब आती है, जब आपने लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को नहीं डिफाइन किया है, राइट। आपने नहीं बताया है कि कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है। फाइन, विद इन अ ब्लॉक ये वर्क कर रहा है या फिर ये पूरे प्रोग्राम के लिए है। लोकल क्या होता है, विद इन अ ब्लॉक जो यूज हो रहा है, राइट। और ग्लोबल क्या होता है, विच इज यूज बाय द होल प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे कौन सा एरर क्रिएट होता है, जब आप लोकल या ग्लोबल वेरिएबल नेम को डिफाइन नहीं करते हो, तो यहाँ पे आता है आपका नेम एरर। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का आउटपुट आपको बताना है। यहाँ पे फंक्शन है डेफ और फंक्शन का नेम है फू। ओके, आपने ट्राई ब्लॉक में एक स्टेटमेंट दी प्रिंट वन। ओके, प्रिंट वन, देन यू हैव फाइनली ब्लॉक, उसके बाद आपका फाइनली ब्लॉक है और आपने उसमें स्टेटमेंट दी प्रिंट टू, राइट। अब आपने फंक्शन फू को कॉल कर दिया, फंक्शन फू को यहाँ पे कॉल किया है, राइट। तो ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, तो प्रिंट वन आपका प्रिंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुई है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली प्रिंट आप जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वन आ गया। और फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है, तो टू आ गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से आपको वन मिला एंड सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट से आपको टू मिला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको कोड दिया गया है और यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है, राइट। टाइप ब्लॉक के अंदर आपको वेरिएबल दिया है एक्स और एक्स में 10 डिवाइडेड बाय 0 की वैल्यू जाएगी, फाइन। अब यहाँ पे देखो 10 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा। ओके, 0 डिवीजन एक्सेप्शन रेज होगा यहाँ पर, तो एक्सेप्शन जब रेज होगा तो उसे एक्सेप्ट ब्लॉक कैच करेगा, राइट। ओके, हैंडल करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन का नेम भी दिया गया है, 0 डिवीजन एरर, फाइन। तो
एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और इसकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इसका आउटपुट ये है। फाइन, देखो जब भी कोई नंबर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आपका जीरो डिवीजन एरर आता है। फाइन, अगर आप जीरो से डिवाइड नहीं करोगे, किसी और से करोगे तो इट इज़ फाइन, बट अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो एक्सेप्शन रेज करता है। कौन सा एक्सेप्शन रेज करता है? आपका जीरो डिवीजन एरर। मैं इसको एक बार करके आपको दिखाती हूँ। ओके, एंड शो प्रैक्टिकली भी दिखा देते। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया ए इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 20, राइट। मैंने बी ले लिया यहाँ पे 2, राइट। ओके, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, आपके पास रिजल्ट आ गया 10। अगर मैंने यहाँ पे ए लिया इक्वल्स टू 20, फाइन। आपने बी लिया इक्वल्स टू यहाँ पे 0, ओके, और फिर आपने लिखा ए डिवाइडेड बाय बी, राइट। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, जीरो डिवीजन एरर। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप एक नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस अ नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स ऑफ अ लिस्ट। जब आप लिस्ट के नॉन एग्जिस्टिंग इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, उस इंडेक्स को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आता है? आपका इंडेक्स एरर आता है, राइट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने एक लिस्ट वेरिएबल लिया, एल ले लिया नेम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, 10, 20 एंड 30। मैंने तीन इसमें एलिमेंट्स ले लिए, फाइन। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल और इंडेक्स वैल्यू देती हूँ आपकी 0, तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मैंने दिया एल और इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे दी 1, राइट, तो आपका 20 आ जाएगा। फाइन, मैंने यहाँ पे दिया एल और इंडेक्स वैल्यू दे दी 5, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो मेरे कौन सा एरर आएगा? इंडेक्स एरर आएगा। देखो इंडेक्स एरर यहाँ पे आ गया, इंडेक्स एरर, फाइन। तो अगर आप उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आएगा? इंडेक्स एरर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू। तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है, तो और आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा इफ कंडीशन रेज वैल्यू एरर इनवैलिड वैल्यू। फाइन, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाए, राइट, और क्या प्रिंट होके आएगा? इनवैलिड वैल्यू। फाइन, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा सी, राइट, इट रेजेस अ वैल्यू एरर इफ कंडीशन इज ट्रू, राइट। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे रेज स्टेटमेंट क्या करता है? रेज स्टेटमेंट इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन इफ अ कंडीशन इज ट्रू। रेज स्टेटमेंट एक्सेप्शन रेज करता है अगर गिवन कंडीशन ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर हैंडल्ड बाय द फॉलोइंग कोड। आपके पास कोड दिया गया है और आपको बताना है इस कोड से आप कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक में आपका कोड है, एक्सेप्ट में आपका एक्सेप्शन हैंडल किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप खुद से भी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं इफ कंडीशन इज टू रेज द एक्सेप्शन वैल्यू एरर, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल एक्सेप्शंस। ऑल एक्सेप्शंस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सिंपली एक्सेप्ट ब्लॉक दिया है। फाइन, जब आप एक्सेप्ट कीवर्ड देते हो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सेप्शन टाइप, तो क्या होता है? इट कैचेस ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। आपने जब एक्सेप्ट कीवर्ड दिया है और कोई एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन या मल्टीपल एक्सेप्शन स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो एक्सेप्ट कीवर्ड जितने भी एक्सेप्शन होते हैं सबको कैच करता है। ओके, ओके, व्हाट आर द एसर्ट स्टेटमेंट डू इन पाइथन। पाइथन में एसर्ट स्टेटमेंट का क्या फंक्शन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, इट रेजेस एन एक्सेप्शन इफ अ गिवन कंडीशन इज नॉट ट्रू। ओके, तो एसर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आप एक्सेप्शन रेज कर सकते हो अगर गिवन कंडीशन ट्रू नहीं है, गिवन कंडीशन फॉल्स है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन एक्सेप्शन पाइथन। इनमें से कौन सा पाइथन का बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है, राइट। ओके, तो इनपुट आउटपुट एरर आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन है, जीरो डिवीजन एरर आपका बिल्ट इन है, फाइल नॉट फाउंड भी बिल्ट इन है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आउट ऑफ बाउंड्स एरर, ये क्या है? ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ एक्सेप्शन है, ये बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है। ओके, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो हियर वी हैव द कोड, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में आपका प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो, राइट। उसके बाद क्या हुआ है? आपने एक्सेप्शन को रेज किया है वैल्यू एरर, वैल्यू एरर एक्सेप्शन को एक्सेप्ट ब्लॉक ने कैच किया है। ओके, और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट है एंड देन फाइनली ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले आपका प्रिंट होगा हेलो,
क्योंकि यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऑलराइट, आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो. उसके बाद आपका रेज होगा वैल्यू एरर. वैल्यू एरर रेज होगा तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैल्यू एरर रेज्ड. राइट, तो सबसे पहले हेलो आपका प्रिंट होगा, देन वैल्यू एरर रेज्ड प्रिंट होगा, और फाइनली ब्लॉक तो प्रिंट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो. फाइन, तो आपका गुड बाय प्रिंट होगा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, हेलो वैल्यू एरर रेज्ड गुड बाय. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन, ओके, व्हाट इज द करेक्ट वे टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन. आप एक साथ मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हो, तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ इन द फॉर्म ऑफ टपल मल्टीपल एक्सेप्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. आप एक्सेप्ट ब्लॉक में, आप एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टपल मल्टीपल एक्सेप्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हो. राइट, Which exception is raised for invalid syntax? अगर आपका syntax invalid है तो कौन सा exception raise होगा, तो यहाँ पे आपका syntax error raise होगा. Fine. Okay, तो मैं यहाँ पे आपको syntax error का example दे देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा print, fine, और आपने यहाँ पे लिखा hello, hello, और देखो मैंने यहाँ पे quotes को enclose नहीं किया है. Fine, तो अगर मैं इसको enter press करती हूँ तो कौन सा error आ गया आपका, syntax error, क्योंकि आपने यहाँ पे syntax correct नहीं लिखा है. Fine, तो अगर syntax correct नहीं है तो आपका syntax error exception raise हो जाएगा. Fine. ओके, हाउ डू यू रेज एन एक्सेप्शन मैनुअली इन पाइथन. अगर आपको पाइथन में किसी भी एक्सेप्शन को मैनुअली रेज करना है तो आप कैसे रेज कर सकते हो, आप रेज एक्सेप्शन नेम. ओके, आप रेज कीवर्ड का यूज करके और अपने एक्सेप्शन का नेम डिफाइन करके उसको रेज कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, रेज एक्सेप्शन नेम. आप मैनुअली एक्सेप्शन को कैसे रेज कर सकते हो, ओके, तो प्रैक्टिकली मैं एक बार बता देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे एक नम वेरिएबल लिया, ओके, इंट इनपुट, और इनपुट कराते हैं हम लोग यहाँ पर एंटर एनी नंबर अप टू 100. ओके, 100 तक आपको कोई भी नंबर एंटर करना है. राइट, इफ नम इज ग्रेटर देन 100, अगर नम 100 से बड़ा है, अगर आपने जो नंबर एंटर करा है, तो अब यहाँ पे हम खुद का एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं, रेज एक्सेप्शन. फाइन, और एक्सेप्शन में आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट करा दो. जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुद का एक एक्सेप्शन रेज किया है जिसकी प्रिंट जो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज आउट ऑफ अलाउड रेंज. राइट, और अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तो एस पार्ट दे दिया, एस पार्ट में आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे नंबर नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज. ओके, नाउ वी विल सेव दिस. आपने इसका नाम A1 कुछ भी दे देते, हमने A1 दे दिया. रिले सेव हो गया. राइट, और इसको रन कर देते हैं हम. ठीक है, रन कर दिया. F5 कर सकते हो आप. अब जैसे यहाँ पे नंबर है, नंबर अगर मैंने दे दिया 34, राइट, तो नंबर इज विद इन द अलाउड रेंज आ गया. फाइन, अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ यहाँ पर F5, ओके, और अब मैं यहाँ पर डालती हूँ 120 मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो क्या आ गया, एक्सेप्शन नंबर इज आउट ऑफ द अलाउड रेंज. ठीक है, जो आपने खुद का एक्सेप्शन क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया है. फाइन, नेक्स्ट वी हैव, हाउ डू यू कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शन इन पाइथन. आप पाइथन में स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैसे कैच करते हो, तो हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. राइट, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से आप एक्सेप्शन को कैच करते हो. राइट, नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन. एक्सेप्शन क्या है. फाइन, तो एक्सेप्शन क्या है, एन एरर डेट अकर्स एट रन टाइम. वो एरर जो किस टाइम आती है, जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं. ओके, एंड इट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम की नॉर्मल फ्लो को रोकती है. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड.
फाइन। यहाँ पे देखो आपके पास लिस्ट है, ओके okay, उसके जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स की हेल्प से लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। फाइन, तो आपने इंडेक्स दिया यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स अगर हम देखें तो 1 का है इंडेक्स 0, 2 का है 1 एंड 3 का है 2। तो इंडेक्स 3 आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कौन सा एरर आएगा, यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगा। फाइन, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आपको पाइथन कोड दिया हुआ है यहाँ पे और आपको आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास टी वेरिएबल है और आपको दिया गया है 5, ठीक है, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट 5। अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि टी क्या है, ओके okay, लिस्ट है या कुछ और है, राइट ओके okay, तो यहाँ पे टी को पहले डिफाइन ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, आपका नेम एरर आएगा। फाइन, बिकॉज यहाँ पे टी को पहले डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे नेम एरर आएगा। फाइन, ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे आपको पाइथन कोड दिया गया है और आपको आउटपुट बताना है, राइट ओके okay, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नेम है गेट मंथ, राइट, और उसमें आपने m की वैल्यू पास की है ओके okay? अब देखो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इफ m इज स्मॉलर देन 1, अगर m 1 से स्मॉल है या फिर 12 से बड़ा है तो एक्सेप्शन रेज हो जाए, कौन सा, वैल्यू एरर, राइट ओके, और प्रिंट हो जाए आपकी m की वैल्यू। अब यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया और उसमें पास किया है 6, तो आपका यहाँ पे 6 पास होगा, और 6 क्या है, 6 ये जो कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, राइट, 6 1 और 12 की रेंज के बीच में ही है, राइट ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा, क्योंकि ना ही 6 1 से छोटा है ना ही 12 से बड़ा है, वो 1 और 12 के बीच में है। फाइन, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो है वो है 6, ऑप्शन सी, ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।